गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डेली ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ, तो अभी बज रहे हैं 11:11। सो मैं एक घंटे पहले उठी थी, यस बहुत लेट उठी हूँ। और अरे बोनी, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा दलिया खाने और चाय बनाने। ए और ये भी अभी उठे हैं। हाय हाय बेबी, हाय बेबी। तो ये भी अभी उठे हैं और बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, बाजू में काम चल रहा है। ओए अब मुझे नहीं मालूम कि बाजू में क्या काम चल रहा है, बट बाजू में काम चल रहा है। ओए गुड मॉर्निंग कर लो तुम भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं भी उठ गया हूँ। मैं लग रहा हूँ थोड़ा सा सुंदर और थोड़ा सा प्याला। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ अभी चाय और इसके बाद मैं चढ़ाऊँगी लंच। और आई थिंक आज मेरी मदर इन लॉ घर जाएंगी, मतलब कि वहाँ मेरे फादर इन लॉ के पास, आई थिंक सो शायद जा रही हूँ, बोल रही थी। सो यस, और अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से काम करने, क्योंकि फिर हम हो जाते हैं लेट। और अभी मेट भी आने वाली है काम करने के लिए, और मुझे बोजो को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेट को काम नहीं करने देता है, ये उसके पीछे पीछे घूमेगा और वो डिस्टर्ब होती रहेगी। कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ से कूदोगे क्या अब? डोंट डू सुसाइड, यहाँ से नहीं कूदो। ओए यहाँ से नहीं कूदते, तुम्हें यहाँ से कूदना है? आर यू श्योर? बोजो का लव, क्योंकि हमें शार तो लेना ही है इन एनी केस। सो यस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ आई एम गोइंग फॉर लंच। आई एम मेकिंग दिस दाल एंड दिस इज द सब्जी जो मैं इस दाल में ऐड करने वाली हूँ, मटर, गाजर, लहसुन, आलू और प्याज। सो इट लाइक अ दाल एंड सब्जी मिक्सचर फॉर मी। So I'm going to add some water into it now. Some turmeric. Some salt. और अब मैं इसे पकने रख दूंगी। So दाल बन गई है, मैंने दाल चढ़ा दी थी और दाल अब बन गई है। और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ, मैंने दलिया खा लिया है, आई रियली वॉन्ट टू ड्रिंक टी। और मैंने चावल भी बना दिए हैं, मतलब चावल चढ़ा दिए हैं, वो बन रहे हैं। सो इट विल टेक सम टाइम, देन आई हैव टू कट सलाद। और फिर मुझे फ़ोन करना है अपने हस्बैंड को कि आ जाइए, खा जाइए खाना, क्योंकि आई थिंक अभी 12:30 बज रहे हैं, तो 1-2 बजे तक मैं उन्हें कॉल करूँगी ताकि वो आके टाइम से खाना खा जाए। थैंक गॉड कि थोड़ी शांति हो गई है, वरना इधर पे इतनी हल्ला हो रहा था ना। और मुझे आज 2-3 वीडियो अपने चैनल के लिए, मतलब अपनी मतलब ब्यूटी चैनल के लिए भी रिकॉर्ड करनी है। सो टायरिंग डे, आके मेरी ऐसा लग रहा है सो जाओ। ठंड में उठने की इच्छा नहीं होती, सीरियसली मेरी बिल्कुल नहीं होती है। मुझे सिर्फ कंबल मिल जाओ और मैं किस दिन आराम से सोती रहूँ। और मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, नॉट पॉसिबल। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैं बहुत ही अपसेट हूँ, मैंने मेकअप ब्रश मंगाए थे और आई थिंक 3 महीने हो गए, 3 महीने पूरे 3 महीने, और वो अभी तक साउथ अफ्रीका में। मैं उसका हर दिन स्टेटस देखती हूँ, वो साउथ अफ्रीका में ही है। तो अब मेरे को गिव अवे करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं उन्हें बुलाते वो आए नहीं अभी तक। सो मैं सोच रही हूँ कि गिव अवे के लिए मैं मेकअप किट ऑर्डर करती हूँ। मैं nykaa.com पे जाती हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे अब ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ कितनी जल्दी नायका का आ जाए और मैं अनाउंस कर दूँगी गिव अवे 3-4 दिन में। और पहले मैं ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि फिर आने में उसे क्योंकि जितनी टाइम में मैं अनाउंस करूँगी बिना उतने टाइम तक वो मेरे को डिलीवरी मिल जाएगी। यस, सो बेशक वो मेरे हाथ में ना रहे, बट अब मैं नायका से कर दूँगी। तो नायका से आई थिंक मैंने अभी अपने सामान मंगवाया था, तो उन्होंने आई थिंक 1 वीक के अंदर तो नहीं, 1 वीक आई थिंक 10 डेज़ में उन्होंने मुझे डिलीवरी दी थी। 3 विनर्स के लिए गिव अवे करने वाली हूँ, तो मैं
मेकअप किट पे ही ज़्यादा फोकस करूँगी अभी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं कुछ और सोच सकूँ, क्योंकि मैं गिव अवे आई थिंक 2-3 दिन में अनाउंस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो कि इसमें आपको क्या होने वाला। अरे यार नेट बहुत दिक्कत कर रहा है। हाँ देखिए मुझे कितना गंदा पिंपल हुआ है, सो उसमें क्या होने वाला है। तो येस आई एम एक्साइटेड। और जब वो ब्रश आएंगे तो उस ब्रश का अलग से कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब जब वो ब्रश आ जाए, जब भी आए, क्योंकि अब मैं परेशान हो गई हूँ, मतलब सोच सोच के कि कब आएँगे कब आएँ। ईमेल कर लिए मैंने, सब कर लिए, बट वो स्टिल साउथ अफ्रीका में है। आई डोंट नो वो साउथ अफ्रीका, उन्हें इतना पसंद आ गया ब्रशों को, ये बहुत ही बुरा हो गया होता। सो लेट्स सी, मैं मेबलिन या लॉरियल देखती हूँ क्या ऑर्डर करती हूँ, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि ये सरप्राइज टाइप का है, मैं आपको बताऊँगी नहीं अभी। आपको 2-3 दिन में वीडियो मिलने वाली है गिव अवे से रिलेटेड, सो डू चेक इट आउट। सो गाइस हम लोग का लंच हो गया है और खाना खाने के बाद मुझे आलस आ रहा है, सो लेजी। और अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करे हैं फॉर गिव अवे, और अब मुझे कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से लाने हैं फॉर गिव अवे। सो अभी फुल टू प्लानिंग चल रही है गिव अवे के लिए। सो आप लोग एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो अभी पूरी प्लानिंग चल रही है गिव अवे के लिए, जो कि बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। क्योंकि सो गाइज मैं शूट करने वाली हूँ वन ब्रांड ट्यूटोरियल, और मेरा मेबलिन का जो जेल आईलाइनर है वो सूख गया है। तो अब मैं से मेरा जो और जो मेरा माइक्रोवेव वो ख़राब हो गया है, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ। तो लिटरली मैंने पानी गर्म किया है, अभी पानी गर्म करने के बाद मैं डालने वाली हूँ इसे पानी में, गर्म पानी में, और देखते हैं ऐसी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सही हो जाए। ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, लेट्स सी। मैं इसे ऐड कर रही हूँ, गो। तो मैंने इसे इसमें डाल दिया कि इसकी थोड़ी जो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है थोड़ा सही हो जाए। नाउ यू कैन सी वो जो सो रहा है। सो नाउ मैं सबसे पहले ट्यूटोरियल शूट करूँगी, उससे पहले थोड़े बाल सही करूँगी, और इस व्लॉग को आधी एडिटिंग पे लगा रही हूँ। ओह माय गॉड सो मच टू डू। और कपड़े चेंज करने मुझे, मैं एक शार लेके आती हूँ फटाक से एक शार लेके आती हूँ, उसके बाद हम लोग शूट करते हैं। सीरियसली बहुत काम रहता है, अगर जब आपको शूटिंग पे बैठना पड़ता है तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है आपको। सो हाँ, तो मैं अभी कर रही हूँ शूट। सो मैंने अभी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया है, और ये पार्टी लुक है, कॉपर आईज और ये सब। और अभी और ये मैंने 2 लिपस्टिक ऑप्शंस के साथ किया है, एक है न्यूड लिपस्टिक, एक है लाइट कलर की लिपस्टिक, और एक है डार्क कलर की लिपस्टिक। तो अभी मैंने लाइट लगाई है, डार्क वाली मुझे शूट करना है, फिर उसका इंट्रो शूट करना है, फिर उसका एंडिंग शूट करनी है, और उसका क्या बोलते हैं उसके बाद लिपस्टिक चेंज करनी है, उसके बाद उसका भी काम करना है। सो यह सभी काम ही चल रहा है मेरा, सो आई एम डूइंग दैट ओनली। और मेरा टॉप मुझे परेशान कर रहा है। सो ये बहुत ही प्यारा आया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो जाएगा, देखिए। सो ये आएगा सैटरडे। और ये मेनली पार्टी लुक है, अब अगर आपको पार्टी में जाना है बट आपको मेकअप करना है, और आपका मेकअप देखिए अच्छा भी लग रहा है और ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा, आपको ऐसा मेकअप करना है तो इसके साथ कर सकते हैं। एक डार्क लिप का ऑप्शन और मिलेगा, और ये है वन ब्रांड ट्यूटोरियल, जो कि स्पॉन्सर नहीं है। सो आपके पास भी कोई ब्रांड ट्यूटोरियल की रिक्वेस्ट हैं तो आप मुझे उसे ईमेल आप मुझे उसे कमेंट कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में मिलती हूँ लिप कलर चेंज करके। देखिए बोझ कैसे सो रहा है, बोझ तो ऐसे सोता है। सो बोझ सो रहा है। सो अभी मैं ब्लॉग एडिट करने पर लगा रही हूँ, और इतनी देर में मैं अपना ये वाला जो पूरा लुक है वो उसका इंट्रो और लिपस्टिक चेंज करके आपसे मिलती हूँ। Finally, I am done with this look. So finally, I am done with this look. और एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट करके आपको लगता है कि कहीं घूम के आना चाहिए, जो कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम है, लिटरली बहुत सारा काम है। और गाइस हाँ, सो मैं ये कह रही थी, देखिए ये है सेकेंड लिप ऑप्शन, और ये लुक जाएगा सैटरडे। और सैटरडे को वीडियोस का शेड्यूल क्या रहेगा, 11 बजे जाएगा मेकअप ट्यूटोरियल और मेकअप लुक, और 7 बजे जाएगा व्लॉग। 7 बजे, आई एम सो कंफ्यूज्ड टिल नाउ।
लेट्स सी कितने बजे क्या जाता है। 7 वैसे सैटरडे को 2 वीडियो जाएगी, बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू डू टू मेक सम आई एम गोइंग टू मेक सम टी। हेलो। एंड खाने में बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि आज हम लोग क्या खाएंगे, और आज मेरी मदर इन लॉ भी जा रही हैं तो उन्हें भी छोड़ के आना है, जा रही हूँ। सो दैट्स इट। और सो मैंने इस मैं चाय नहीं बना पाई अपने लिए क्योंकि अदरक ख़त्म हो गई है, अब मुझे अदरक लानी है। और कल के व्लॉग में कल मैं गाजर का हलवा शूट करने वाली हूँ क्योंकि कल मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी और वो आप लोगों को कल दिखेगा मैं देखने। अब मुझे अपना मेकअप अच्छा लग रहा है और मेरे को उतारने की इच्छा नहीं हो रही है। आई रियली लव माई मेकअप और मुझे लगा चलो बिंदी और लगा लेते हैं। बालों पे फाउंडेशन लगा है, बाल साफ हो जा। सो यस, अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने, उनकी मम्मी को छोड़ने। उनकी बस है 8:30 बजे और मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँगी मटर गाजर वाली मैगी, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ तो कुछ नया नहीं है। बट हाँ, आपको कल मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। सो उसके व्लॉग में आपको गाजर का हलवा मिलने वाला है, सो उसे तो मिस मत करिएगा। गाजर का हलवा, आई लव गाजर का हलवा। और अभी गाजर आ रही है ठंड में, सो अब सबसे पहले जाके मैं अच्छी अच्छी गाजर लेके आती हूँ क्योंकि गाजर के हलवे के लिए आपको थोड़ी मोटी गाजर चाहिए होती ताकि आप उसे अच्छे से कस पाएँ। यस, सो मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ी सी देर बाद। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स क्योंकि अब हम लोग को जाना है मम्मी को छोड़ने। सो येस, आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स, नॉट माई मेकअप। आई एम नॉट लाइकिंग इट, मेरे को मेकअप नहीं कभी उतारना। थोड़ा खुश होने देना चाहिए अपने आप को आफ्टर डूइंग मेकअप। सो मैं मेकअप नहीं उतार रही हूँ और मेरा गला थोड़ा सा तो हाँ, मैं थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। केम हेयर। और सो हम लोग यहाँ आए हैं, ये बस स्टैंड है, यहाँ से सिर्फ आई थिंक 3-4 घंटे का रास्ता है जहाँ मम्मी रहती हैं। और लिपस्टिक लग गए हैं, दांत है, हाँ 3-4 घंटे का रास्ता है। मम्मी बैठ गई हैं बस में और मेरे हस्बैंड बिठाने गए हैं और मैं लोअर टी शर्ट में आई थी तो मैं उतरी नहीं इसलिए। तो ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड। सो ये बस स्टैंड है बेसिकली। सो यहाँ से 3-5 घंटे का रास्ता है और जहाँ पे वो लोग रहते हैं, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ का अभी टेम्परेचर 2 डिग्री चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड। और अब हम लोग की जब रिपोर्ट आएगी तब, अगर रिपोर्ट एक बार और हम लोग टेस्ट कराएंगे क्योंकि वैसे तो जॉन्डिस चला गया, बट एक बार हम लोग 25 कब है 25 के आसपास हम लोग टेस्ट कराएंगे, संडे के आसपास। सो अगर कुछ गड़बड़ आता है तो फिर मम्मी को दोबारा आना पड़ेगा, पर अब नहीं आना चाहिए क्योंकि वैसे तो सब कुछ सही दिख रहा है क्योंकि अब ऐसा कुछ है भी नहीं सिम्टम, बट एक बार टेस्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि एक बार सही है तो दूसरी बार भी अगर हम लोग अब जैसे नॉर्मल खा रहे हैं तो कहीं उसका इफेक्ट पड़ के जॉन्डिस दोबारा तो नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग दोबारा टेस्ट कराने जाएंगे। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, बस जाएगी 8:30 बजे। सो ठीक है, बाय। मैं घर वापस आ गई हूँ और 9 बज गए बोनी बेबी इधर आ जाओ। हाँ, और मेरी एक आई लैशेस मैंने निकाल भी दी है, वो निकल नहीं रही आधी, मुझे मेकअप रिमूवर से इसे रिमूव करना पड़ेगा अदरवाइज मुझे लग सकती है। ए हाँ, सो मैं क्या सोच रही थी, अभी मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैं बनाने वाली हूँ आटे का हलवा। कितने लोगों को पसंद है मुझे सूजी के हलवे से, मेरा फेवरेट है आटे का हलवा। उसके बाद कल बनेगा गाजर का हलवा जो आएगा सैटरडे को। ये मतलब 2 हलवे के वीडियोस। तो चलिए अभी चलते हैं, हम आटे का हलवा बनाते हैं। और सबसे पहले मैं जो आटे का हलवा बनाऊंगी उसके लिए मैं भारी कढ़ाई लूंगी ताकि वो नीचे से लगे ना, मुझे बहुत डर लगता है कि नीचे से ना लगे, तो मैं जाके नीचे से सबसे पहले घर से मोटी वाली कढ़ाई लेके आती हूँ और ताकि वो नीचे ना लगे, जो हैवी हो जाती है आप समझ सकते हैं, थोड़ी हैवी हो जाती है जो वो वाली कढ़ाई। तो चलिए चलते हैं बनाने। मुझे चाहिए घी और मैं घी को थोड़ा गर्म कर रही हूँ क्योंकि घी जम गया है। और 1 कटोरी आटा लूँगी मैं, छोटी 1 कटोरी। तो चलिए बनाते हैं।
ये है मोटे पैंदे की, आई डोंट नो, ये है मोटी कढ़ाई इसे क्या बोलते नहीं पता मुझे। सो ये है आधी ये है एक कटोरी आटा और अभी फिलहाल मैं इसे भून रही हूँ तेज गैस पे, उसके बाद मैं सिम करूँगी। इसे थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी घी, वो तो मत करो, हल्का से ब्राउन हुआ है और अब मैं इसमें घी ऐड करने वाली हूँ। घी अब मुझे इसे चलाना है, घी इसे भूनना है और इसमें से कोई भी गांठ ना रहे, मुझे ऐसा इसे बनाना है क्योंकि आटे में, आटे के हलवे में बहुत चांसेस होती है कि गांठ पड़ जाए, इसीलिए फोकस। तो आप देख सकते हैं ये भुन गई है, इसकी जो खुशबू आने लगी है एकदम डार्क ब्राउन कलर की, अगर वो कलर से पता नहीं, हाँ देखिए डार्क ब्राउन कलर की होगी, आई डोंट नो वेदर, ये देखिए ये डार्क ब्राउन कलर की हो गई है और ये भुन गई है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि अदरवाइज इसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए कभी आपको आटे का हलवा बनाना हो तो पानी डालने से पहले आपको गैस बंद कर देनी चाहिए। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ और ये धीरे धीरे मिलाती हूँ। अब देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ शक्कर, मीन्स चीनी, मतलब शुगर, जितना मीठा आप खाते हैं उसके हिसाब से। मैंने एक कटोरी लिया है तो मैं एक कटोरी ही चीनी डालूंगी इसमें। अब मैं इसे मिला लूंगी गैस चला के, इन शुगर मुझे सिर्फ इसे मिक्स करना है। लुकिंग अमेजिंग। कोई सा भी डाल सकती हूँ, मैं बादाम डालूंगी बहुत थोड़े से क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ में ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद है। इट्स लुकिंग डैम डिलीशियस, लाइक यू कैन सी डैम डिलीशियस। बन गया आटे का हलवा, यमी। ये मैंने एक कटोरी में निकाला है अपने खाने के लिए फिलहाल। सो ये बन गया है आटे का हलवा। यू नो ये हेवन ऑन अर्थ है मेरे लिए, आई जस्ट लव 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 आटे का हलवा, सीरियसली। गरम गरम हलवा इन ठंडी ठंडी ठंड, एक टिप देना चाहती हूँ मैं आपको, क्योंकि आटे के हलवे में या बेसन के हलवे में लम्स पड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो जब आटा या मैदा, सूजी में नहीं पड़ते लम्स, भुन जाए उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दीजिए, थोड़ी सी देर के लिए, अप टू 5 मिनट्स। उसके बाद उसमें पानी डालिए गैस बंद करके और उसे मिलाते रहिए मिलाते रहिए मिलाते रहिए, फटाफट मिलाना है आपको उसमें। उसके बाद आप गैस चलाइए, फिर उसमें शक्कर डालिए, उसके बाद उसमें बिना लम्स का हलवा बनेगा एंड आई रियली लव लव इट। गरम बहुत है ये। मुझे पता है कि आपको बहुत लालच आ रहा है, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना बोझो मेरे को परेशान कर रहा है, इसलिए टाइम वेस्ट किए बिना आप लोग इसे जल्द से जल्द बनाइए। अब मेरे स्नैपचैट पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ शेयर करिए। मैं आटे का हलवा नॉन स्टॉप, मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती पर आटे का हलवा मैं एक कटोरी एक बार में, फिर आधे घंटे बाद फिर से कितनी बार भी खा सकती हूँ, और ये मेरा इयररिंग निकल रहा है, कितनी बार भी खा सकती हूँ। आई एम जस्ट अमेज्ड। ये मुझे जितना ठंडा गर्म अच्छा लगता है उतना ही ठंडा भी अच्छा लगता है। अमेजिंग। अब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ अपनी। सो गाइस इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ मटर गाजर वाली मैगी, जो कि मैंने आपको दिखा दी है, वो ब्लॉग में आई थिंक इन्फो बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके अगर आपको चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं। और
राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर बिकॉज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और 9 बज गए, उन्हें खाना देना है. आई थिंक 9:30 हो गया है, 9:30 हो गया, उन्हें खाना देना है और आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम एवरी डे अपने काम के लिए. सो इसलिए कल आपके लिए मैं बनाऊँगी, अपने लिए बनाऊँगी, आप देख के अपने लिए बनाएंगे. कल मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा जो कि सैटरडे को जाएगा, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट व्लॉग. और ये लुक भी जाएगा सैटरडे को, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस लुक. और संडे को मैं ऑफ रखूँगी, संडे को आई थिंक कोई वीडियो नहीं जाएगी, आई थिंक सो. और नोटिफिकेशन तो ऑन ही है आपकी, और हर दिन ब्लॉग ही जाने वाले हैं और वीडियोज जाने वाली है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप. और इधर पे एक फोटो आएगी, उस पर जाके मुझे सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज आई एम डूइंग बहुत सारी मेहनत अब फॉर यू गाइज. सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू मी माई चैनल. एंड बहुत ही जल्दी आई थिंक 1 वीक के अंदर मुझे सारे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाएंगे और गिव अवे भी अनाउंस होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, आई लव यू ऑल सो वेरी मच. बाय.